कथी के छे से डोली कहार डोली कहार दिस इज मिथिला पेंटिंग ऑन सिल्क बेस कॉल डोली कहार यू कैन सी द ब्राइड इज सिटिंग इन अ डोली सो वेल डेकोरेटेड These are kahar. This is a speciality of Mithila painting. Especially the lines and the decoration. Which is filled in between. Meet Mr. Dayashankar Jha. Hello. Hello. He is a Mithila painter by profession, and he is showing his another painting. What is this about? किसके बारे में है? ये है कृष्ण और अर्जुन. कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं. गीता का उपदेश दे रहे हैं. महाभारत के क्षेत्र में उन्होंने ये शिक्षा दिया था उन्हें. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम् का युद्ध के मैदान में दर्शन दिए थे. ये युद्ध के दौरान ही, जबकि युद्ध शुरू होने वाला है, उन्होंने पूरा गीता का ज्ञान उन्हें दिया था. उसका कितनी बारीकी से उनके रथ के ऊपर में हनुमान जी भी बैठे हुए हैं. हनुमान जी भी विराजमान है. बहुत अच्छा, बहुत ही बारीकी से एक एक चीज को घेरा गया है. बहुत ही मेहनत का काम है ये. मिथिला पेंटिंग में लाइंस बहुत मायने रखते हैं. बॉर्डर्स, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ा जाता है. भगवान कृष्ण और ये अर्जुन अपने धनुष के साथ. ये जो पेंटिंग दयाशंकर जी दिखा रहे हैं, ये किस चीज के बारे में है? ये राम और सीता का पेंटिंग है, जयमाल का है. धनुष जब रामचंद्र जी तोड़ देते हैं, उसके बाद स्वयंवर में जयमाल होता है. सीता माला पहनाती है रामचंद्र जी को, रामचंद्र जी माला पहनाते हैं सीता जी को. ये माला ही देखिए कितनी सुंदर है. भगवान राम और सीता, माँ सीता, चारों तरफ फूल, सुंदर सजावट. माहौल को उभार कर सामने लाता है. प्रेम भाव का अद्भुत चित्र. मिथिला पेंटिंग
और ये किस चीज के बारे में इसका विषय? ये है मधुबनी पेंटिंग और फाइन आर्ट को मिक्स करके बनाया गया है, कुछ नया वर्क, क्रिएटिव आर्ट इसको कह सकते हैं। और ये बाहर की है, बायर है ये, जो अपने पीठ पर टैटू के रूप में मधुबनी पेंटिंग बनवा रही हैं। और ये जो बनवा रही हैं उसको डोली कहार कहा जाता है, मधुबनी पेंटिंग को टैटू के रूप में वो अपने पीठ पर बनवा रही हैं। मिथिला पेंटिंग को लोक कला कहा जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से ही जुड़ा हो। यहाँ बनाने का ढंग और इसमें जो बॉर्डर्स या फिल्ड इंस होते हैं वो काफी ट्रेडिशनल स्टाइल है, उसका सालों से चला आ रहा है। लेकिन मिथिला पेंटिंग में दयाशंकर जैसे कलाकार नए नए थीम, नए नए सब्जेक्ट, नए मुद्दों को भी टच करते हैं, जिस कारण से ये पेंटिंग, ये स्टाइल एक आधुनिक स्वरूप ले लेता है। इसमें आधुनिक समय के हर एक भावना, हर एक विषय को छूने की अद्भुत शक्ति है। Gracias.